सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप वीडियो एडिटिंग के शौकीन हैं, यानी कि अपने फ़ोटोज़ की वीडियोस बनाना या व्हाट्सएप स्टेटस बनाना, और अगर आप MP3 सॉन्ग से रिंगटोन बनाना चाहते हैं या वीडियोज़ को कट करना चाहते हैं या वीडियोज़ को MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सारा कुछ इस एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको आपको दबा देना है और इस बेल को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप देख सकें और बहुत कुछ सीख सकें, और वीडियोस को लाइक भी कर देना है। तो मैं आपके साथ आपका दोस्त MD दिलसाद, और आप देख रहे हैं इंपोर्ट लाइफ एल्टे के यूट्यूब चैनल। वीडियोज़ को देखना आपको एंड तक, ताकि आप अच्छे समझ पाए, आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको उस एप्लीकेशन का नेम बता दूँ, मीवी मूवी मेकर, जो कि नया एप्लीकेशन है और बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन। मैंने यूज़ किया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग का शौक़ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर पर जाएंगे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको वो प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप मीवी डालेंगे तो आपके सामने ये सर्च होकर के आ जाएगा, और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसे ओपन करना है, और इसे हम ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे डाटा को जो आप अपने ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा का कोई भी वर्क नहीं होने वाला है। अगर होता है तो हम डाटा फिर से ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको परमिशन सबसे पहले देनी होगी और यहाँ पे अलाउ कर देना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉन, स्लाइड शो, वीडियोज़ बना सकते हैं फ़ोटोज़ से। जैसे कि आप देखते हैं शादी वगैरह के वीडियोज़, जो कि फ़ोटोज़ पे वीडियो होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, सारा कुछ आप लगा सकते हैं। और माई वीडियो, जो कि आपको वीडियोज़ बनाने के बाद यहाँ पर मिल जाता है, वीडियो को आप ऑडियो में कर सकते हैं, और ट्रिमिंग वीडियो यानी वीडियो को कट कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी पार्ट को, और ऑडियो कटर यानी कि ऑडियो सॉन्ग्स को भी आप कट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब करना क्या चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। आप अगर आप स्लाइड शो बनाना, वीडियो बनाना चाहते हैं फ़ोटोज़ की, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने आप हाई गैलरी ओपन हो जाएगी, यानी कि फ़ोटोज़ आ जाएंगी, जिस फ़ोटोज़ को हमें यूज़ करना है, जिस पर वीडियोज़ बनाना, जिस पर सॉन्ग्स लगाना, तो वो फ़ोटो हमें सेलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड आ सकता है, बट इसे हमें कैंसिल कर देना है। और यहाँ पर फ़ोटोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर आपको जिन भी फ़ोटोज़ को जो कि लेना है, वीडियो बनाना है वीडियोस, तो यहाँ से आपको उनको ले लेना है। जैसे कि हम यहाँ से कोई सी भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से उनको लेकर के वीडियोस बनाते हैं। तो कोई से भी फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लें जिनका आपको वीडियोस बनाना है। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे हम एक फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जितने फ़ोटोज़ को आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ का भी वीडियोज़ बना सकते हैं। बट यहाँ पे हम अपने फ़ोटोज़ का वीडियो नहीं बना रहे हैं, और आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4-5 फ़ोटो यानी कि ले लेते हैं, 12 फ़ोटोज़ हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जब फ़ोटो सेलेक्ट होकर के आ गए हैं, अगर आपको कोई फ़ोटो नहीं पसंद आती है तो आप उनको यहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर एग्ज़िट कर देना, वो फ़ोटो रिमूव हो चुकी है, और यहाँ फिर से हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएंगे रैंडम का, जो कि आपको इस प्रकार से इधर से स्लाइड करेगा, और यहाँ स्लाइड का जो कि ऑप्शन मिलेगा, आपकी वीडियो इस प्रकार से स्लाइड होंगी। और यहाँ पे आप फेड का ऑप्शन, पुश का ऑप्शन, लाइनर का ऑप्शन, सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत सारे आपको इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग प्रकार से आपको स्लाइड शो, अपनी फ़ोटोज़ को आपकी अलग अलग स्लाइड से खिसकाएंगे, यानी कि वीडियोज़ बनेगी। और यहाँ पे म्यूज़िक भी आती है, और यहाँ दूसरे पे फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने फ़ोटोज़ का यानी कि वीडियोज़ का फ़ोटो जो है उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर म्यूज़िक, जो कि हमें कस्टम का ऑप्शन मिलता है, आप गैलरी से यहाँ पे जाकर के अपनी म्यूज़िक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गैलरी ओपन होकर के आ जाएगी, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो गैलरी यानी कि यहाँ पे जो ऑनलाइन म्यूज़िक है, यहाँ से आएंगे, और यहाँ पे डिवाइस आईडी यानी कि आपकी गैलरी की फ़ोटो या वीडियोज़ आएंगी। तो यहाँ पे आपको ले लेना है जो लेना है, अगर आपको गैलरी से लेना है तो डिवाइस आईडी पे जाकर के आप सेलेक्ट कर लेंगे। बट यहाँ से मैं अभी सॉन्ग्स लेने वाला नहीं हूँ, आपको सिर्फ रिव्यू बता रहा हूँ इस एप्लीकेशन का, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और तीसरा टाइमर, आप किस कितने सेकेंड में अपनी फ़ोटोज़ को जो स्लाइड करना चाहते हैं, फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, तो उतने सेकेंड बाद आपकी फ़ोटोज़ चेंज होगी। ऑरेंज भी आपको आ जाना है, या भी ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पे अपनी इमेज को अरेंज कर लेना है अपने हिसाब से, और ऐड फ़ोटो पे फिर से अपनी फ़ोटोज़ को और भी फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस वीडियो पे। बनाने के बाद क्या करना है आपको, सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वीडियोस को नेम देना है अपना, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो ढूंढने में। बट यहाँ पर आपको आसानी से गैलरी पर मिल जाता है, यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं।
तो यहाँ पे हम नाम इंटर कर देंगे और ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड शो इन प्रोग्रेसिंग प्रोसेसिंग करने लगेगा या प्लेस वेट, आपको वेट करना है या गैलरी पे चला जाएगा। तो हम बैक आते हैं, हम इसका वेट नहीं करते, बट आप इसको सेव कर लीजिएगा और आपको जो इस पर और ऑप्शन उसको हम बताते हैं। और फ्रेंड्स हम बैक आते हैं वीडियो टू ऑडियो, तो यहाँ पे वीडियो टू ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वीडियोज़ जो कि आ जाएंगी आप कहीं से भी आपके फ़ोटोज़ पे, यानी कि आपके जो कैमरे में वीडियोज़ व्हाट्सअप पे कहीं पे भी वीडियोज़ जिनका ऑडियो आप बनाना चाहते हैं, जिनकी रिंगटोन बनाना चाहते हैं, साउंड लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो कि MP3 का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जैसे MP3 और एक जो कि एक क्वालिटी होगी आपकी वॉल्यूम की, आप यहाँ क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल एडवांसड जो कि एडवांसड पे भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम एडवांसड नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे सिंपल ही करेंगे और यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो है MP3 वीडियो जो है MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। या टिकटॉक से आप वीडियोज़ डाउनलोड करते हैं, वहाँ से कुछ आपको म्यूज़िक पसंद आ जाते हैं उनका, आप रिंगटोन यहाँ से बना सकते हैं। तो हम बैक आते हैं और आप जो ऑप्शन है आपको बता। और फ्रेंड्स यहाँ आपको ट्रिमिंग वीडियो, आप यहाँ पर जा करके वीडियोज़ को जो कट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी वीडियोज़ ले सकते हैं कहीं से भी जा करके और उसको कट कर सकते हैं कहीं से भी बीच से। जैसे कि हम यहाँ ये वीडियोस ले लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इतना कट करना है, तो यहाँ पे कट करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, तो ये हमारी वीडियो कट हो जाएगी। और बैक आते हैं, फिर से हम बताते हैं और क्या करना है आपको। और फ्रेंड्स ये ऑडियो कटर आपको मालूम ही होगा, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी ओपन होकर के आ जाए और वहीं से आप जैसे वीडियो को ट्रिमिंग करेंगे वहीं ऑडियो को भी ट्रिमिंग कर सकते हैं। और यहाँ सेटिंग पे आपको जाना है, सेटिंग पे आप डिफ़ॉल्ट स्टोरेज जाके अपनी जहाँ जिस फोल्डर पे आप यहाँ पे वीडियोस जो कि प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको किस फोल्डर पे सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको बताया गया स्टोरेज इम्यूलेटेड 0 मूवी मेकर जो कि आपको फोल्डर मिलेगा वहाँ पर सारा कुछ सेव होगा। नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की अगर आपको नोटिफिकेशन आते हैं। तो फिलहाल इतना ही था वीडियो में, अगर आपको सारा कुछ कंप्लीट आ गया और समझ में आ गया है और वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बिल को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।